आवाज जी मैम आ रही है। अब आप जरा देख लें। अब सेम इसी तरह आपने रूल अप्लाई इसके ऊपर करना भी है। देखिए यहाँ पे ऊपर जो आउटवर्ड है, लाइक आउटवर्ड एक बना हुआ है लाइक दिस, यहाँ पे लाइट है सारा, और इसके नीचे वाली जो इस जगह पे जो है ना वो शेडिंग है, ठीक है, डार्कर साइड है दिस वन, ठीक है। सेम इसी तरह अब यहाँ देखिए कितना ज्यादा फोल्ड आ रहा है, एक तो शेडिंग हो रही है ना, उस शेडिंग का भी शेडो पड़ रहा है इस तरफ, ये देखें दिस वन नजर आ रहा है। यस मैम, मैं थोड़ा सा ना करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब सिंपल ये एक लेट सपोज ये फैब्रिक एक हैंग है, ठीक है, हैंग फैब्रिक है This one, ठीक है, तो आपने उसको उसी तरह से हैंग करना है जिस तरह से वो हैंग है, ठीक है, एंड देन दिस और ये इस तरह से करके और ये दोबारा एंड देन दिस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ फोल्ड बन रहा है, ठीक है, ये फैब्रिक का फोल्ड आ रहा है और इसके अलावा एक यहाँ से फोल्ड आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, फिलहाल जो मुझे अवेलेबल है। अब आप इसमें देखिए सारा फैब्रिक जो है किस तरह से फोल्ड आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से, सेम वही रूल है सिंपल वाला जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है, कि शेडिंग जहाँ से ऊपर, अब जो इस तरह का फोल्ड बन रहा होगा इस तरह का कोई भी, ठीक है, जो इस तरह से करके यहाँ पे आपने ऊपर लाइट रखना है इन जगहों पर, और उसके नीचे इस जगह पे, इस जगह पे और इधर ये सारा डार्क होगा। इस पॉइंट को आपने नहीं भूलना, ठीक है, वेन यू आर शेडिंग अ फैब्रिक, वेन यू आर शेडिंग या ड्रेपिंग, आप कोई भी ड्रेपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई हार्ड फैब्रिक या डिफरेंट तरह का फैब्रिक है, ठीक है, तो ये आपने करना है, ठीक है, बेसिक फोल्ड्स की जो है ना वो शेडिंग होती है। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ी सी लाइट लाइट करती हूँ जैसे उसने लाइट की भी है। सेम थोड़ी थोड़ी लाइट उसने यहाँ पर रखी हुई, कोशिश करती है बहुत ज्यादा डार्क लाइन नहीं लगानी, आउटलाइन बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनानी, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी डार्क कर दी है, मैं बेशक इसको थोड़ा डल कर देती हूँ, बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाना आप लोगों ने, अच्छा, फिर एक यहाँ पे शेडिंग आ रही है, ये हो जाएगा ना आप लोगों से काम। यस मैम, अपना बेस्ट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैम। चले अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब करे इंशाल्लाह। अब ये देखें, अब जो डार्क शेड में नीचे कर रही हूँ इस तरफ, वो मैंने किस तरह से डार्क किए, वीडियो चल रही है कि रुक गई है? ऑन है मैम। मैम आ रहा था नजर पर। हाँ जी वीडियो आ रही है, शेयर मुझे शेयर ही नहीं हो। यस मैम शेयर है। चलें ठीक है, अच्छा समझ तो आ गई ना आप लोगों को कि आपने yes, क्या करना है। बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं इसके अलावा मैं ना कुछ रेलेवेंट वीडियोस भी आप लोगों को यूट्यूब पे दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा आइडिया हो जाए।
लेकिन जो बेसिक रूल है शेडिंग का वो यही है फॉर ड्राइंग अ फैब्रिक, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें सिर्फ फोल्ड्स की बात होती है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर यूं करके कर लेंगे आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज आपके सामने फैब्रिक नहीं भी है, फिर भी आप लोगों को बेसिक रूल पता होना चाहिए कि दिस इज द बेसिक रूल। हाँ जी, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों से इंशाल्लाह, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? बस ट्राई करनी है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को एक दो वीडियोस और दिखा देती हूँ इसके अलावा। हाँ जी, लेक्चर देने बाद में सो लीजिएगा, पहले मुझे बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। जी मैम हो रही है। सेम ही काम से इस वीडियो में किया, ठीक है? उसने हैंगिंग हैंगिंग ड्रेप ले ली, ठीक है? डिफरेंट फोल्ड्स हैं, मैं साथ साथ आपको ब्रीफ करती जाती हूँ कि इसमें किस तरह से मैं वो शेडिंग कर रहा हूँ। जो जो इनवर्ड फोल्ड है वहां पे डार्क शेड है, सबसे पहले डार्क ही करना आपको, लाइट ही करना सबसे पहले, डार्क दिखने के डार्क के लिए करना। मैम आउटलाइन की इंटेंसिटी इतनी रखनी है ना जितनी इसकी है, मतलब बिल्कुल लाइट इतनी रखनी है, ठीक है? डार्क नहीं करनी, लेकिन थोड़ी डार्क कर दी मुझे, आप कोशिश करें इसकी लाइट रखनी, ठीक है? ओके मैम। अभी देखिए फर्स्ट चार्ट उसने डार्क पोर्शन कर दिए, जहां जहां सबसे ज्यादा डार्क आ रहा है सबसे ज्यादा डार्क पहले से कर दिए, तो आपने भी जो डार्कर पोर्शन है, जो सबसे डार्कर टोन है, जो डार्कर वैली है, वो सबसे ज्यादा अप्लाई करनी है, सबसे पहले अप्लाई करनी है आपको, ठीक है? मैम चारकोल पेंसिल यूज करनी है? नो, सिंपल पेंसिल, सिंपल एचबी की पेंसिल। चारकोल से आपको कहता आता है, ठीक है? वेल एंड गुड, चारकोल से करें आप। मैं तो मीडियम खुद ही नहीं एक्सप्लोर करवा दी आप लोगों से, कि शायद एक दो क्लास यूनिवर्सिटी हो जाए तो आप लोगों से वहां पे काम करवा दें। अब सबसे पहले जो नीचे ना फैब्रिक की जो नीचे वाली साइड पे आ रही है, ठीक है? वहां आ जा रहा है, वो डार्क करी जा रहा है।
समझ आ रही है? ये फैब्रिक के ऊपर फोल्ड को भी उसे नहीं छेड़ा, ठीक है? सिर्फ जो डार्कर है ना उनको पहले छेड़ दे। जब डार्क सारे क्लियर हो जाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली एंड पे खुद ही अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? समझ आ रही है? सेम वही चीज है जो मैंने आप लोगों को डेमो देके बताई है, ठीक है? इसी तरह से डार्क एंड लाइट्स को फोल्ड्स को फॉलो करना है आप लोग, फोल्ड्स के इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करना है आप। अभी देखिए आउटर साइड पे कितना लाइट शेड कर रहा है, ठीक है? दिस वन। और जब आपने व्हाइट पोर्शन छोड़ना है तो आपने क्लियरली व्हाइट पोर्शन छोड़ना है ताकि पता चले कि हाँ जी ये व्हाइट लाइट पड़ रही है यहाँ पे। मैम इस असाइनमेंट की सबमिशन कब है? इसकी नेक्स्ट वीक। ठीक है मैम, हो जाएगी ना? यस मैम हो जाएगी इजीली मैम, इंशाल्लाह। अब टाइम भी कम रह गया, ठीक है? आप लोग करनी पड़ जाएगी, फिर आपकी ईद की हॉलीडेज आ जाएंगी तो। मैम कोई आइडिया है कितनी हॉलीडेज हैं ईद की? माशाल्लाह से पूरा हफ्ते ही होंगी, मुझे तो यही लग रहा है आपको। इंशाल्लाह हाँ जी, समझ आई है? यस मैम जी मैम। अब इसमें देखिए लाइटर पोर्शन कितने अच्छे तरीके से छोड़ा है, दिस वन, ये लाइटर सारा, ठीक है? लाइट कितनी अच्छे तरीके से उसने फॉलो किया उसको। तो डॉट्स दे दिया फिनिशिंग करके। फैब्रिक का बैक साइड पे शेडो है, ठीक है? एक तो फैब्रिक के ऊपर शेडिंग आई है, इसके नीचे शेडो है, तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक शेडो है। यस मैम। चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने कौन सी पिक्चर पिक करनी है, ठीक है? तो आप लोग टाइप करेंगे ड्रेपरी की शेडिंग, ठीक है? कोई भी फैब्रिक शेडिंग आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आप लोगों को काफी इमेजेस नजर आ जाएंगे, ठीक है? तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने बहुत ही टफ किस्म का इमेज लेना है, ठीक है? अपनी ईज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इतना ही इमेज लेना है जितना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इमेज भी नहीं ले लेना आप लोगों ने, कि किसी हो ही ना आप लोगों से, ठीक है? तो सिंपल रखें, क्रिएटिव रखें, ठीक है? श्योर मैम। आप लोग कर्टन टाइप भी कुछ इस तरह का भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये ज्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए, तो बेहतर है कि सिंपल इस तरह की ड्रेपिंग जो है ना वो ले लें आप। जैसा कि अभी देखें पिंटरेस्ट पे आप लोगों को ज्यादा अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे, ये देखें। यस मैम वहां पे अच्छे हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि उसकी शीट जो गंदी हो जाएगी शेडिंग करने से, तो अपने हाथ नीचे जो है ना एक पेपर रख लिया करें, ठीक है? शेडिंग करने के लिए
ताकि जो है ना वो मैम वैसे कल मैंने ये ट्राई किया था और पेपर की वजह से भी शीट काली हो जाती होती है, जब आप ज्यादा डार्क शेडिंग कर रहे होते हो तो शीट के ऊपर भी वो थोड़ा आ जाता है उसका ब्लैक कलर। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जहाँ पे नीचे पहले पेंसिल वाला काम हुआ ना वो नहीं कि अपने पेपर ऊपर हाथ ऊपर उसको रब भी करना शुरू कर देना, ठीक है? तो इसका स्वभाव की फैलाई ऑब्वियसली मैम ठीक है तरीके से जो है ना पेपर रखना है ऊपर हाथ रख के जो है ना अपने पेपर को नीचे से मूव नहीं करना, अपने हाथ को जो है ऊपर से लाइट से मूव करना है, जस्ट पेंसिल मूव हो, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह की इमेजेस भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? काइंड ऑफ यस मैम, लेकिन सिंपल जो शेडिंग का रूल है ना वो फॉलो हो रहा हो, ठीक है? मैंने ये नहीं देखना कि आप लोग कितना ज्यादा हैवी किस्म का इमेज लेते हैं, उसके अंदर शेडिंग का रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है? शेडिंग के डार्क एंड लाइट ही नहीं आ रहे, तो ये काम नहीं करना आप लोगों, जैसे कि आप यहाँ पे देखें ओके मैम ये एक इमेज भी है, ठीक है? और चलो काफी डार्क हो गए, बहरहाल काफी मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? ये भी ले सकते हैं आप लोग सिंपल, सिंपल आपने A4 साइज पे जो है 3 साइज पे जो है ना कम से कम आपका इमेज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑलमोस्ट 10x10 inches के अंदर आना चाहिए, 10x10 inches के अंदर, ठीक है? नॉट लेस देन दिस। और मैम ये कर्टेंस वगैरह भी इसमें आ सकते हैं ना? कर्टन कर ले, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा फिर उसमें नहीं आप कर्टन लेके ना करें, ठीक है? फिलहाल आप सिंपल फैब्रिक पे फिर हैंगिंग फैब्रिक पे सिर्फ जाए, ठीक है? ठीक है मैम। और LMS पे जो है ना मैं इसकी वो जो मेजरमेंट्स हैं जो भी चीजें हैं सारे कुछ आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पे आपने कितने इंचेस की है, कितने उसकी बनानी है, सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? श्योर मैम। ये आप लोगों की चलो ये भी 15 मार्क्स की असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है? ये भी 15 की है? हाँ जी ठीक है। आगे आप लोगों की फिर मैंने एक असाइनमेंट और लेनी है और इसके बाद फिर आप लोगों को फाइनल ले लेना, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 10th वीक आपका शुरू हो गया, तो 11th वीक ईद पे चला जाएगा और फिर 12th वीक में एक असाइनमेंट और बता दूंगी, तो उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को फाइनल लेना पड़ेगा, ठीक है? ऑलमोस्ट 13th या 14th वीक में आपको फाइनल मिल जाएगा। तो ड्राइंग जो है प्रैक्टिस का नाम है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है ना आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, और बाकी फिलहाल मैं यही कहूँगी इसके बारे में, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करें ड्राइंग करने में, क्योंकि ड्राइंग जो है ना वो हर एक चीज़ की जड़ है यहाँ पे डिज़ाइन। चलो जब टाइम भी ओवर होने लगा कौन से 3 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे मैम? खदीजा थोड़ी देर पहले उसने अपनी अम्मी के साथ कहीं जाना था, थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट पहले वो तकरीबन गई है, अभी तक उसने क्लास में ही थी, मतलब उसकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा अगर ऐसा किसी का एक्सक्यूज हुआ है तो काइंडली मुझे ईमेल किया करें और वहां पे मुझसे जो है ना आपको प्रूफ करवाया करें ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड रहा करे कि आप लोग। मैं मैम उसको बता देता हूँ, वो आपको ईमेल भी कर देती है। मुझे ईमेल कर दे, ठीक है? जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है किसी की जन्म किस्म की तो मुझे ईमेल कर दे। चलें ठीक है मैम, ताकि मुझे पता चले काइंडली उसका लगा दीजिएगा इस वीक में जो है ना वो छुट्टी की, ठीक है? ओके मैम चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूं। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। हाँ जी हिफ्जा नूर ईमान आरिफ समझ आ गई आप लोगों को? मैम पेंसिल का बता दे कौन सी यूज करें हम? पेंसिल सिंपल HP की पेंसिल, ठीक है? 6B ले ले, 2B ले ले, सिंपल HB ले ले, ठीक है? डार्क और लाइट के लिए ज्यादा तो इसमें डार्क ही जाता है, लाइट तो आप थोड़ा छोड़ना होता है, तो ये ले लें पेंसिल। मैम ज्यादा डार्कर कौन सी है, HB है या 2B? हाँ जी मैम ज्यादा डार्कर कौन सी होती है, मतलब HB, 2B? तो सिंपल होती है ना 2B, 3B, 4B, आगे डार्कर ही जाती है, जितना फिगर बढ़ता जाता है वो डार्कर टोन होती है, उतना ज्यादा डार्क होता जाता है, ज्यादा डार्क होता जाता है। ओके मैम, मैं हमने इसको ओपन बनाना है या फिर हमने बॉक्स में बनाना है? सिंपल ओपन रखें, आप कंपोजिशन कह रहे हैं
नहीं नहीं मैम, लाइक जिस तरह लास्ट वाली हमने असाइनमेंट बनाई है ना एक बॉक्स ड्रॉ करके, तो वो ये पूछ रहा है कि बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर बनानी है या फिर ओपन छोटी से बना लो, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए ऑलमोस्ट 10x10 इंचेस आप लोग रखें, एक मेजरमेंट रख लें और उसके अंदर जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, हिफ्सा, नूर, फिजा, जमाल, इमान, आरिफ, आप लोग जागे हैं? जी मैम, जागे मैम। यस मैम। उसेल, अख्तर, नुशाबा, आप लोग भी जागे हैं? समाहा, समीना, जफर, सलमा, यस मैम। चले थोड़े बहुत तो आप जागे हैं। चलो जी ठीक है, फिर क्लास एंड करें और जो भी रेलेवेंट लेक्चर शेयर कर सकती हूं आप लोगों के साथ, ठीक है? अच्छा जी, आप ओके ओके, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज।